फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के लिए दावेदारी कर रहे भाजपा नेता डॉक्टर रामेश्वर चौधरी के नाम पर मोहर नहीं लगने से समर्थकों में खासी नाराजगी है। समर्थकों का कहना है कि डॉक्टर रामेश्वर चौधरी उनके सुख दुख के साथी हैं और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है। उन्होंने पार्टी आलाकमान से प्रत्याशी के नाम पर पुनर्विचार करने की अपील की है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर महायुद्ध छूट चुका है और सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करनी शुरू कर दी है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो पहली सूची में भारतीय जनता पार्टी ने आगरा लोकसभा से एसपी सिंह बघेल और फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चौहान के नाम की घोषणा की है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करते भारतीय जनता पार्टी में कई सारे दावेदार थे इस सीट के लिए, लेकिन एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट रिपीट की है। उसको लेकर आज एक उस महापंचायत बुलाई गई है। महापंचायत में कहीं ना कहीं राजकुमार चौहान का विरोध किया जा रहा है और क्यों ये विरोध हो रहा है, हालांकि अगर बात करें बीजेपी सरकार में पिछले 5 सालों में कई अच्छे काम हुए हैं, चाहे अगर वो सिविल एयरपोर्ट की बात हो या अन्य दूसरे काम हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, लेकिन अपने चूँकि अब प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो गई है तो लोगों में क्यों नाराजगी है उनको लेकर, आइए उनसे जानते हैं। इस समय साथ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रामेश्वर चौधरी के समर्थक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्यों नाराजगी है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम राम नरेश है। क्यों नाराजगी है? नाराज है उन्होंने, नेताजी ने, राजकुमार चौहान साहब ने जनता के बीच कभी रहे नहीं है, जमीनी स्तर का कोई काम उन्होंने किया नहीं, जनता के कभी कुछ सुनी नहीं है कोई भी उन्होंने आज तक। जो भी निर्णय रहता है उनका अपने व्यक्ति विशेष के लिए तो रहता है, बाकी उन्होंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जनता के बीच में रह के, कभी जनता को उन्होंने आश्वासित किया ही नहीं किसी काम को लेकर। 5 साल उनको हो गई, कोई अपनी लोकसभा में कहीं भी कोई विकास का कुछ है ही नहीं उनका। हालांकि अभी कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है अभी यहाँ पर, लेकिन अभी समर्थकों में खासी नाराजगी है। क्यों नाराजगी है जानते हैं, पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम राकेश कुमार गोयल है। नाराजगी है कि जनता के बीच में कभी आज तक ये 5 साल में अभी तक कभी नहीं आए और कोई कैसा भी काम है, जो वायदे किए थे वो सब बातें इनके झूठे वादे साबित हुए हैं। जनता परेशान है, जिस किसी आदमी से हम बात करते हैं सब वो एक ही बात कहता है, उसको वोट नहीं देने किसी प्रकार से। और इन्होंने जो फैसला किया वो बिल्कुल गलत फैसला किया है। रामेश्वर जी काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं जनता के बीच में, आना जाना लगा रहता है उनका, इन्होंने कभी इधर घूम के भी नहीं देखा है। लेकिन सभी सरकारी योजनाओं को ग्राम तक पहुंचाने का काम हुआ है, आयुष्मान वगैरह योजनाओं को भी पहुंचाने का काम हुआ है, अन्य दूसरी योजनाओं को पहुंचाने का काम हुआ है, सिविल एयरपोर्ट पर भी काम हुआ है, तो क्या लग रहा है कि वो जो काम है वो मोदी जी का कार्य था या मोदी जी की टीम का कार्य था, और उसमें राजकुमार चौहान जी की क्या भूमिका रही है? ये तो ऊपर से सरकार का काम था, उसमें इनका राजकुमार चार का तो कोई हाथ ही नहीं है उसमें, ये तो ऊपर से जब उन्होंने कराया तो वो तो होगा ही होगा, मोदी जी की तरफ से हुआ है ना वो काम, केंद्र सरकार की तरफ से जो काम हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, उसमें तो कोई हुई नहीं। ये प्रत्याशी भी तो मोदी जी ने चुन के भेजे, मोदी ने चुने, लेकिन इन्होंने फैसला गलत ले लिया आपके, जनता के बीच में इन्होंने कोई काम नहीं किया, जनता परेशान है, इनके लिए फुल समर्थन है, जीतेंगे जी, चारों तरफ से समर्थन है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इनकी बुराई करे, ये सीट निकालेंगे, आप कैसे भी खिलवा लो, चाहे कितनी ताकत लगा ले सरकार, खुद अपना मिनिस्टरों को बुला के ताकत लगाएगी तो भी शायद हो सकता है ये निकाल नहीं पाएंगे। रामेश्वर चौधरी जिंदाबाद। कुछ और लोग हैं उनसे जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि किस तरह की छवि है उनकी और जनता के बीच में उनका कैसा समर्थन है। मेरा नाम साहब मुकेश शर्मा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे टिकट के फैसले? मैं कहना चाह रहा हूं साहब, अगर बीजेपी ने ये टिकट नहीं बदली तो ये सीट बीजेपी के हाथ से चली जाएगी। लोगों का कहना है अगर बीजेपी ने अगर फैसला नहीं बदला तो ये सीट उनके हाथ से चली जाएगी। हालांकि संभावनाएं जताई जा रही है कि कोई बड़ा फैसला हो और सरकार जो पार्टी है वो अपना फैसले में परिवर्तन करे, अगर पार्टी अगर अपने फैसले में परिवर्तन नहीं करती है तो समर्थक चाहते हैं डॉक्टर रामेश्वर चौधरी मैदान में निर्दलीय उतरे। अपने साथी राजीव के साथ अनिल कुमार सिंह, सी न्यूज आगरा। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।